Good morning everyone. Today we are going to start our next chapter, chapter number 15, pronouns. Ki pronouns kya hote hain? Let's start. First is definition of pronoun. Pronoun ko Hindi mein kya kehte hain? Sarvanam. Clear? A pronoun is a word used instead of a noun. Pronoun kya hai? Ek word jo hum kiski jagah pe use karte hain? Noun ki jagah pe यूज करते हैं. क्लियर? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट चेक्स द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन. अगर कोई नाउन बार बार रिपीट हो रहा है, क्लियर, तो उस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, एटसेट्रा. क्लियर? अगर कोई नाउन बार बार रिपीट हो रहा है, उसको रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम नाउन, उस नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते. क्लियर? एग्जाम्पल्स इज इसकी फर्स्ट पैराग्राफ, मिस्टर अजय इज अ न्यू पुलिस इंस्पेक्टर. मिस्टर अजय न्यू पुलिस इंस्पेक्टर है. मिस्टर अजय इज एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर वर्कर. वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, सिंसियर काम करने वाला है. मिस्टर अजय इज वेरी स्ट्रिक्ट. वो बहुत स्ट्रिक्ट भी है. मिस्टर अजय हेल्प्स द पीपल इन नीड. वो जरूरतमंदों की हेल्प करते हैं. मिस्टर अजय एक नाउन है ना, बार बार रिपीट हो रहा है. क्लियर? देखने में, सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा. क्लियर? जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो हम क्या करेंगे? रिपीट हो रहा है, इसकी रिपीटेशन को खत्म करेंगे. क्लियर? किसके साथ? एक वर्ड यूज करेंगे जिसे हम प्रोनाउन बोलेंगे. फर्स्ट लाइन से मिस्टर अजय इज द न्यू पुलिस इंस्पेक्टर. हमने बता दिया कि मिस्टर अजय न्यू पुलिस इंस्पेक्टर है. अभी जहां पे मिस्टर अजय था, क्लियर, ही मस्कुलिन जेंडर है, तो हम ही यूज करेंगे. इसके यहाँ पे हम ही यूज कर देंगे. He is an honest and sincere worker. He is very strict. He helps the people in need. Clear? हमने Mr. Ajay को replace कर दिया he के साथ. He क्या यहाँ पे एक pronoun है. Clear? So हमने repetition को खत्म कर दिया. ये होते हैं pronoun. The pronoun that can directly replace a subject or a noun is called personal pronoun. जो words directly replace करते हैं किसको? Subject को. Subject क्या होता है? जो जिसकी यानी कि सेंटेंस में बात हो रही होती है. क्लियर? उसको रिप्लेस कर दें. क्लियर? वो क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ पर्संस और थिंग्स इन थ्री पर्संस. पर्सनल प्रोनाउंस थ्री टाइप्स के होते हैं. क्लियर? पर्सनल प्रोनाउन ने डिस्कस कर लिया क्या होता है. जो डायरेक्ट नाउन है फिर रिप्लेस कर दे किसको? सब्जेक्ट. सिंपल. पर्सनल प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप के. कौन कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. क्लियर? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? द पर्सन स्पीकिंग. फॉर एग्जांपल मैम और मैं किसी के साथ बात करूं, फर्स्ट पर्सन कौन है? जो बोल रहे हैं, यानी कि मैं क्या होगा? फर्स्ट पर्सन. सेकंड जो सुन रहा है, मैं यानी कि मैं जिसके साथ बात कर रहा हूँ, वो कौन सा हो गया? सेकंड पर्सन, जिसके साथ मैं बोल रहा हूँ. थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम किसी तीसरे आदमी के बारे में, इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन. कौन कौन सा? फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं बोलने वाला, सेकंड पर्सन सामने जिसके साथ बोल रहा हूँ, थर्ड पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं किसी तीसरे इंसान, वो होता है थर्ड पर्सन. क्लियर? प्रोनाउंस एंड देयर प्लूरल फॉर्म्स हैं यहाँ पे. किस अलग अलग डिवाइड कर दिया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में भी हमने डिवाइड करते हैं, सिंगुलर वाले अलग लिख लिए, प्लूरल वाले अलग. ऐसे ही सेकंड पर्सन में थर्ड. फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? आई और बी दो आते हैं. आई यानी कि मैं, या फिर हम सब की बात कर रहा हूँ, जमा कि हम और बी. क्लियर? आई, माई, मी, बी, अवर, अस. आगे भी है टेबल. क्लियर? सेकंड सामने कौन होगा? सामने वाले को मैं क्या कह के बुलाऊंगा? यू. सिंपल या सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, दोनों में हम यू यूज करेंगे. यू, योर या योर्स. थर्ड पर्सन कौन बोल सकता है? ही, शी, इट या फिर एक से ज्यादा में दे आएगा. क्लियर? ही से हिम, हिज, शी से शी, हर, हर, इट, इट, इट्स. क्लियर? इस तरह से दे, देयर, देम, ये हो गए थर्ड पर्सन वाले प्लूरल. क्लियर? अपने वर्ण को देख लेना. क्लियर? हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोनाउन क्या होता है. यहाँ पे सेम भाई डेफिनेशन लिखी हुई है. क्लियर? ये अगर टेबल जो मैंने डिस्कस किया था, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का. क्लियर? इसमें क्या लिखा हुआ देख लेते हैं एक बार. सब्जेक्ट
जो हमने सामने लिखे हैं ना, आई और बी वाले सब्जेक्ट थे और नीचे वाले ऑब्जेक्ट और क्या थे, पोजेसिव। चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमने क्या यूज कर था, आई सिंगुलर के लिए और बी प्लूरल के लिए, ये क्या हो गया सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या बनाया था हमने, आई मी माई, ऑब्जेक्ट में मी, पोजेसिव यानी कि अधिकारी है, चीज मेरी है, माई। सेम बी से अस, ऑब्जेक्ट में अस, पोजेसिव में आवर्स, हमारी है ये चीज। सेकेंड पर्सन में क्या यूज किया था हमने, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, क्या यूज किया था यू, ऑब्जेक्ट में भी यू आएगा और पोजेसिव में योर्स, दिस इज योर्स, ये आपकी ये चीज, क्लियर, योर्स आ गया पोजेसिव में। थर्ड पर्सन में क्या यूज किया, ही शी इट दे, क्लियर, पोजेसिव ऑब्जेक्ट में क्या गया, ही से हिम, शी से हर, इट से इट और दे से देम। पोजेसिव में हिज ये चीज उसकी है, मस्कुलिन वाले के लिए, हर्स यानी कि गर्ल्स वाले के लिए, इट्स देयर्स, क्लियर। सेम ही टेबल है, यहाँ पे अलग अलग डिवाइड करके लिख दिया, क्लियर, सब्जेक्ट को अलग, ऑब्जेक्ट को अलग और पोजेसिव यानी कि अधिकार वालों को अलग, क्लियर। सेम टेबल आपने एक बार इसको रीड कर लेना है, सेम डेफिनेशन लिखी हुई है इनकी, क्लियर, सब्जेक्टिव वाले कौन से होते हैं, क्लियर, डायरेक्ट जो सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दे ऑब्जेक्ट और पोजेसिव अधिकार वाले, सेम ही है जो अभी हमने डिस्कस किया। अंडरलाइन द प्रोनाउंस, प्रोनाउन को अंडरलाइन करना एंड टेल और बताना वेदर दे आर सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट हैं या फिर पोजेसिव अधिकार वाले। जैसे कि दिस कार इज माइन, पहले इसमें फाइंड करना है हमने प्रोनाउन, क्या यहाँ पे माइन, माइन को अंडरलाइन किया, माइन क्या है पोजेसिव प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि अधिकार बताया, ये चेयर मेरी है, पोजेसिव यानी कि अधिकार बताया। वी डू नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स, हमें बहुत, मैं बहुत सी स्वीट्स नहीं खाता है, खाती हूँ, क्लियर। यहाँ पे क्या गया बी, बी क्या है डायरेक्ट रिप्लेस है सब्जेक्ट प्रोनाउन, यहाँ पे देखो यहाँ पे बी क्या है सब्जेक्ट प्रोनाउन। मीन्स आपने ये टेबल लर्न कर लेना है, सारी जो एक्सरसाइज है ये इसी के ऊपर बेस है टोटली। डोंट गिव दिस टॉय टू हिम, इट इज आवर्स, इसमें बहुत से हैं, क्लियर। जैसे कि फर्स्ट हिम, हिम क्या हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, यहाँ पे ना हिम देखो ये रहा, हिम किस में आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में। नेक्स्ट इट, इट यहाँ पे नहीं लिखा, इट भी है भाई इसमें, इट है, क्लियर, इट दोनों में यूज होता है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा, क्लियर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में हमें कंफर्म नहीं है तो रहने दो। नेक्स्ट आवर्स, आवर्स किस में आ रहे देखो हमारी यानी कि पोजेसिव वाले में आकर पोजेसिव प्रोनाउन, क्लियर। जो नेक्स्ट टाइम वो आपने कंप्लीट कर लेने हैं, यानी कि इसके लिए आपको सिंपल सी बात है कि जो ये टेबल है ये अपने टेबल को लर्न करना है, क्लियर, समझ के लर्न करना है, क्राइमियन के रट्टा नहीं मारना, क्लियर। दो टेबल करवा दिए सिमिलरली है ये पहले भी और ये भी, आपने इसको लर्न कर लेना है। आपको अगर ये लर्न होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट वाले कौन से और पोजेसिव वाले कौन से, तो आपके लिए एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है, क्लियर। टोटल 10 है ये, कर लेना सारे सारे, उस टेबल पर डिपेंड है। नेक्स्ट, Use pronouns in place of the underlined words and rewrite these sentences. Underline आपने उसको चेंज कर दिया, यानी कि रिपीट हो रहे हैं बार बार, हमने वो करा था ना स्टार्टिंग में रिपीट वाला छोटा सा पैराग्राफ मिस्टर जेबल, सिमिलरली उसी की बेस पे ये भी है, क्लियर। आपने जो अंडरलाइन की मतलब ये रिपीट हो रहे हैं, इनको रिप्लेस करने एक वर्ड यानी कि प्रोनाउन के साथ। जैसे कि मीट सागर, सागर को मिलो, सागर इज अ सिंगर, आई एम अ फैन ऑफ सागर, क्लियर। सागर, सागर रिपीट हो रहा है ना, एक बार सागर का नाम लिख दो उसके बाद उसको रिप्लेस कर दे, मीट सागर, सागर से मिलो। अभी सागर की यानी कि इंसान यानी कि मस्कुलिन जेंडर है ना, बॉयज वाला मेल वाला, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, ही इज अ सिंगर, आई एम अ फैन ऑफ हिम, क्लियर, यानी कि वो टेबल वाला है। दिस इज माई कजन, सिंपली मेरा कजन है, कौन है इसका नाम मोनिका, मोनिका को रिप्लेस कर देना अभी किसके साथ, शी मोनिका, शी इज एथलीट एंड एथलीट, क्लियर। ऑल दिस मेडल्स एंड ट्रॉफीज आर किसके आएंगे, मोनिकाज की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, वो टेबल जो अभी अभी लर्न किया है उसी के बेस पे ये भी है, क्लियर। इस पे हम यूज करेंगे हर्स, क्लियर, शी वाला है ना, शी वाले में क्या यूज किया था हमने हर्स। नेक्स्ट बी आर प्राउड ऑफ मोनिका, मोनिका की जगह क्या, बी आर प्राउड ऑफ हर, क्लियर।
यानी कि सिंपल सी बात ये भी है कि ये भी एक्सरसाइज किस पे, उसी टेबल पे डिपेंड है। क्लियर? अगर आपको टेबल लर्न है तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ही इजी है। क्लियर? तो आप हमने वो टेबल लर्न कर देना है और इनको रिप्लेस कर देना है। क्लियर? जो भी है, जैसे हमने ये किया, ये आपने सेकेंड आपको बता दिया और जो नेक्स्ट टाइम भी आपने कंप्लीट कर लेना। स्टोरी है सिंपल, आपने प्रोनाउन यूज करना है। Once a cap seller was going to a place to sell caps. एक बार क्या होता है, जो कैप सेलर है, टोपियां बेचने वाला है, वो कहां पे जा रहा होता है, गांव में, क्या सेल करने, कैप्स सेल करने। क्लियर? ये स्टोरी तो बिल्कुल इजी, आपने पहले भी सुनी हुई है। अब इसको रिप्लेस करना है प्रोनाउन के साथ, यानी कि लिखा नहीं हो प्रोनाउन है कैप सेल, यानी कि कौन सा जेंडर आएगा, मस्कुलिन वाला, ही, हिज, हिम में से हमने यूज करना है। ही वॉज टायर्ड सो He sat down under a tree to take a rest. वो थका होता है, वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। Soon he was fast asleep. वो जल्दी सो जाता है। Some monkeys lived in that tree. कुछ मंकी होते हैं, वो उस ट्री पे रह रहते हैं। कंप्लीट है, क्लियर? Dash got down. वो नीचे आते हैं। क्लियर? कौन नीचे आते हैं? मंकी। तो यहाँ पे मंकी को रिप्लेस करना है वर्ड्स के साथ, क्या आएगा यहाँ पे, दे। They go down, वो नीचे आते हैं, open his bag को open करते हैं, and saw the caps, caps को देखते हैं। They put, they आएगा क्योंकि monkey की बात हो रही है यहाँ पे, अभी plural है, बहुत से हैं। They put on the caps on their head, अपने सिर पे लगाते हैं, and climbed back on the tree, और tree पे वापस चढ़ जाते हैं। When the cap seller woke up, जब वो उठता है, he found his bag empty, वो अपने bag को देखता है, empty है। He checked, वो चेक करता है। क्लियर? कंप्लीट कर लेना इसको, सिंपल है, उन टॉपिक्स को दे। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज प्रोनाउंस फिल करने अपनी तरफ से। डैश इज योर कोट, इट इज योर कोट, क्योंकि नॉन लिविंग है, इट आएगा। इज इट, क्लियर? इट से ही पता चल रहा है यहाँ पे, इट है। यस इट इज माइन, ये मेरा है। माई मॉम हैड परचेज्ड इट फॉर मी। क्लियर? जो हमने अभी तक प्रोनाउंस वो टेबल वाले ही आ रहे हैं दोबारा से, क्लियर, डिस्कस किए थे, उन्हीं को अपने इसमें यूज करना है अपने अकॉर्डिंग। क्लियर? कि कौन सा काम पे आता है। नेक्स्ट सेकंड करा, आई लाइक टू ईट पाव भाजी, डू यू लाइक, क्या आप उसे पसंद करते हो। डू यू लाइक इट, क्लियर, बी में आ जाएगा। नो इट इज सो ऑयली, ये बहुत ऑयली है। आई लव डोकलास, मैं डोकला को पसंद करता हूं। माई मुंह मेक सॉफ्ट एंड यम्मी डोकलास। आई जस्ट गोव देम, क्लियर, यानी कि जो आपने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग आपने इसमें यूज कर लेने। क्लियर? दो आपको करवा दिए, रिमेनिंग आपने ट्राई करने, इनको कंप्लीट करना। चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ, प्रोनाउंस का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर? जो आपको एक्सरसाइज गिवन आपने ये कंप्लीट कर लेनी है। क्लियर? किसी को डाउट है उसने पूछ लेना है। थैंक यू।